से दो घंटे के बाद आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर लोग अच्छे खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के बयान यहां पर सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे। देखिए, तैयारी यहां पर पूरी है, किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, और इस इवेंट का नाम रखा गया है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। कार्यक्रम में करीब 25,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों की तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। पीएम के भाषण को लेकर प्रवासी भारतीयों में अच्छा खासा उत्साह है, लोग तिरंगा झंडा लेकर भारतीय परिधान में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए हर कोई टकटकी लगाए बैठा है कि पीएम आज यूएसए क्या कुछ बोलेंगे। और ये सीधी तस्वीरें, खचाखच भरा हुआ ये जो हॉल है आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि दो घंटे के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, संबोधन पीएम यहाँ पर देंगे और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए क्या बड़ी बातें पीएम यहाँ बोलने वाले हैं, क्या संदेश यहाँ पर देने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। सभा स्थल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी के आने का बस इंतजार है, सभा स्थल पूरी तरीके से तैयार है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में ये अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो नृत्य हैं वो यहां पर दिखाए जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी के स्वागत की कैसी तैयारी की गई है। उनके आने के पहले ये तमाम जो सांस्कृतिक नृत्य हैं वो यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय समुदाय के तमाम लोग इस वक्त सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और भारतीय संस्कृति को अमेरिका की भूमि पर यहाँ दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये सारी तैयारियां की गई हैं। कल आपको याद होगा कि पीएम मोदी जब पहुंचे थे तो कैसे गरबा किया गया, कैसे ढोल नगाड़े के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्था मेरी प्रतिक्रिया यही रहती है कि जब भी एक आपका देश का लीडर आता है, इट इज़ आर जॉब, इट्स आर ड्यूटी उसको ऑनर करने के लिए। बहुत ज़रूरी है उसकी ऑनर रिस्पेक्ट करना, बिकॉज दे नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स द लीडरशिप ऑफ अ पार्टी, दे रिप्रेजेंट अ कंट्री, दे रिप्रेजेंट आर फैमिली, आर हेरिटेज, आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आदम साम भी यहाँ पे खड़े होने के लिए सिर्फ नहीं आए, बिकॉज हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यहाँ। एंड आई फील कि मुझे लगता है कि जो भी हिंदुस्तानी है जो देश छोड़ के बाहर आता है, फॉर किसी भी वजह से हो, आर्ट को अपने ग्रो करने के लिए, अपने पढ़ने के लिए, अपना बिजनेस के लिए, टू लिव अ बेटर लाइफ, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी एक संस्कृति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम वही उसी को संस्कृति को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ लोगों का जो उत्साह है वो अमेरिका के अंदर दिखा रहा है कि भारतीय संस्कृति कितनी उजागर हुई है और भारतीय संस्कृति के साथ समग्र विश्व के अंदर भारत माता का नाम
विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसके लिए हमें बहुत ही आज मोदी जी को शुभकामनाएं देनी है। और विश्व गुरु बनते ही भारत माता समग्र विश्व को प्रकाशपुंज करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, यही सब मंगल कामना है। वेरी एक्साइटेड, वी डोंट यूजुअली गेट दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम फ्रॉम द डिस्टेंस एटलीस्ट। हम तो बहुत एक्साइटेड है, वी आर बेसिकली फ्रॉम इंडिया बट वी ऑल लिव हियर एंड देन वी प्ले ढोल ताशा टू कीप अलाइव द रूट्स ऑफ इंडिया। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मोदी जी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द USA। और हाँ, we are performing the dhol tasha। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अलग अलग कार्यक्रम जो सांस्कृतिक हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, उनका आयोजन भी होगा। और ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से तमाम जो भारतवासी इस वक्त अमेरिका में रहते हैं उनके साथ मुखातिब होंगे। और तीन तस्वीरें आप देखिए, जो जोश है आखिर कैसे तमाम लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर भारतवंशियों में कैसा उत्साह है। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम देख रहे हैं, मोदी मोदी के नारे जो पूरी गूंज है मोदी मोदी को इस वक्त पूरे अमेरिका में सुनाई दे रही है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती हुई नजर आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर लगातार बनी हुई हैं। तो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारतवासियों को अमेरिका में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आखिर कैसे भारत और साथ ही अमेरिका एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, विकास की राह को और मजबूत यहां पर कर सकते हैं, इस थीम पर यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसे लेकर पूरी तैयारियां इस वक्त अमेरिका में की गई। अमेरिका में दिखी मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री। बाइडेन के घर पहुंचे मोदी तो बाइडेन ने लगाया गले। पहले गले लगाया, फिर हाथ पकड़कर मोदी को ले गए। ये तस्वीरें 1.25 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व करने वाली हैं। गर्व इसलिए भी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर में स्थित अपने घर में स्वागत किया, वो भी भव्य तरीके से। देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन के घर पर पहुंचते हैं, पहले से मोदी के स्वागत के लिए खड़े बाइडेन मोदी के गाड़ी से उतरते ही गले लगा लेते हैं। इसके बाद जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और फिर काफी देर तक दोनों के बीच तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्त बाइडेन का शानदार वेलकम के लिए शुक्रिया भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को टैग करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि डेलावेयर में अपने आवास पर मेरी मेजबानी करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देता हूँ। हमारी बातचीत बेहद सार्थक रही। बैठक के दौरान हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें बाइडेन ने अपने घर की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी और मैं जब भी साथ बैठते हैं, मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से दंग रह जाता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। वैसे तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दो और देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा भारत की ही हो रही है और इन तस्वीरों ने भारत के दुश्मनों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को संबोधित करने वाले हैं, जिसके लिए भव्य तैयारी भी पूरी हो गई है। ऐसी